शहर के पंचशील चौक से झांसी रानी चौक की ओर जाने वाले रास्ते से हर एक नागपुरवासी एक न एक बार गुजरा तो जरूर होगा। इस रास्ते पर रोजाना बड़ी संख्या में भारी वाहनों और लोगों का आना जाना बना हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है यह पुलिया जर्जर हो चुका है। जर्जर पुलिया पर खतरों से भरा सफर, लेकिन प्रशासन अब भी खामोश है। आज हम आपको इस पुलिया की खस्ता हालत दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, बीसीएन न्यूज में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीसीएन न्यूज हमेशा ही अपने दर्शकों को सच दिखाता है, सच्चाई तक पहुँचाता है। आज ऐसी ही सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं। आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ, ये एक नाला है, ये नाग नदी का जो नाला आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर में जो ये सड़क दिखाई दे रही है, पंचशील स्क्वेयर से बर्डी की ओर जाने वाली जो सड़क है, ये पुलिया है। और आप देख पा रहे हो ये पुलिया के जो है सलाखें हमें सीधे दिखाई दे रही है। सलाखे दिखाई, प्लास्टर जो है सलाखों का निकल चुका है पूरी तरह से। आप देख पा रहे हो कि पूरा ये जो कॉलम है, ये पहला कॉलम है इस पुलिया का। आप देख पा रहे हो कि पूरी सलाखे जो है हमें क्लियर दिखाई दे रही है। और इसके बाद जो दूसरा कॉलम है, इसके भी सलाखे दिखाई दे रही है। ऊपर में जो रास्ता देखिए, आप देख पा रहे हो कि आपको भी सलाखे जो है क्लियर दिख रही होंगी, पूरी तरह से क्लियर सलाखे दिख रही है। प्लास्टर निकल चुका है, बहुत पुराना ये पुलिया है जिसका मरम्मत या इसकी नए सिरे से इसे बनाने का वक्त अब आ चुका है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है इसकी ओर कर रही है। हम दिखा देते हैं आपको कि ये मेरे पास एक लकड़ी है, इससे हम अगर आपको बता दें कि थोड़ा भी इसको अगर झटका लगता है, आप देखिए ये प्लास्टर जो है ये गिर जा रहा है, ये प्लास्टर गिर रहा है। ऐसे में ऊपर से जो है बड़े वाहनों की आवाजाही हमें होती दिखाई देती है। यहाँ पे बसेज जो है यहाँ से ट्रैवलिंग करती है, यहाँ बस स्टॉप भी है। साथ ही साथ जो इस जो नाला बह रहा है, इसके किनारे पे कई शॉप भी बसे हुए हैं। उन्हें भी डर लग रहा है कि अगर बरसात, भारी बरसात होती है, पानी का बहाव होता है, तो कहीं ना कहीं इस पुलिया के गिरने की भी उन्हें आशंका है। साथ ही जो दुकानें हैं उन्हें भी डर है कि इसमें उनका भी नुकसान हो सकता है। तो ये पूरी पुलिया की सच्चाई जो है हम आपको बताते हैं। इस पुल में जगह जगह दरारें दिखाई देने लगी है। देखरेख के अभाव में पुल की दशा लगातार बदतर होती जा रही है, फिर भी जिम्मेदार इस गंभीर मामले की अनदेखी कर रहे हैं। ये जो नाला हमें बहता हुआ दिख रहा है, इसी के ऊपर ये ठीक जो है पुलिया बना है। और आप देख पा रहे हो कि बरसात से पहले जो है नालों की सफाई जो है महानगर पालिका द्वारा की जाती है, महानगर पालिका प्रशासन द्वारा की जाती है। तो आपको इस नाले को देखकर लग रहा है कि क्या प्रशासन द्वारा इस नाले की सफाई हुई है मानसून पूर्व? जी हाँ, हम बता दें आपको कि इस नाले की सफाई तो की गई है, लेकिन इसमें से जो कचरा निकला है, इसमें से जो भी कचरा निकला है, वो यही पे डाला गया। आप देख पा रहे हो कि किनारे पे जो है पूरे ढीक जो है हमें कचरे के दिखाई दे रहे हैं, और उसमें से कुछ कचरा अभी नाले में बह भी रहा है। ये हालत तो मानसून के पहले की है। अगर बारिश होती है, मानसून आता है, बारिश में ये कचरा पानी के बहाव में इसी नाले में आएगा, बहेगा, या पानी अड़िग हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, जिससे काफ़ी समस्याएं निर्माण हो सकती है। हमने पुलिया की हालत भी आपको बता दी है। पुलिया से जड़ जो हेवी वाहन है उनकी भी आवाजाही होती है, बसेस यहाँ से चलते हैं, दोनों तरफ जो है स्कूल है, साथ ही साथ ये मार्केट परिसर है, यहाँ पर फर्नीचर की दुकानें भी है जो जो सटे जो है पुलिया के सटे लग जो है बसे हैं, पुलिया के ऊपर बसे फर्नीचर की दुकानें हैं, जहाँ का हाल कुछ और अलग ही है। हम आपको बताते हैं कि वहाँ के फुटपाथ के हालात क्या हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ की जो दीवारें हैं वो धस चुकी है, जो रॉड है वो सड़ चुके हैं। पुलिया की हालत आपको दिखा चुके हैं, साथ ही साथ नाले में बहता हुआ पानी आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से नाले की सफाई हो चुकी है। यही कचरा यही डाला गया है नाले का। अगर बारिश होती है, तेज बहाव रहता है पानी का, तो क्या हालत हो सकती है आने वाले दिनों में? सोया मिल्क प्लांट से सटे बहने वाले नाले की दीवार ढह चुकी है। जी हाँ, जिससे वहाँ स्थित हिंदुस्तान फर्नीचर और साथ ही यहाँ के कई फर्नीचर की दुकानों को इसका खतरा हो सकता है, क्योंकि पुलिया काफी जर्जर हालत में है। प्लास्टर निकल चुका है, सलाखे सड़ चुकी है,
तो दीवारों के पत्थर ढह चुके हैं, जिससे रास्ता धस रहा है। और यही नहीं, दुकान के सामने बना फुटपाथ कभी भी नाले में धस सकता है। इसका वीडियो आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुटपाथ से अंदर नाले में कई फीट की लंबी लकड़ी सीधे आर पार जा रही है, इससे आपको भी खतरे का अंदेशा आ ही गया होगा। यहाँ जिनकी फर्नीचर की दुकानें हैं, उनका हर एक दिन डर के साथ गुजरता है। दर्शकों, आप देख पा रहे हो ये जो दीवार है, ये मेन दीवार है पुलिया की, और इसके ऊपर का कॉलम देखिए, कॉलम के पत्थर भी ढह चुके हैं। साथ ही साथ जो रॉड दिखाई दे रहे हैं वो पूरी तरह से सड़ चुके हैं। आप ही बताइए, अगर बारिश होती है, तेज पानी का बहाव होता है, तो ये पत्थर कब तक टिक पाएंगे और कब तक ये पुलिया जो है जो बना रहेगा, या कुछ हादसा ना हो ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन ये हादसा रोकने के लिए अभी भी महानगर पालिका हो, प्रशासन हो, अगर कार्य करता है, मरम्मत करता है, इसके दुरुस्ती करता है, तो होने वाला जो हादसा है या होने वाली जो संकट है वो टल सकता है। अब हम आ चुके हैं पुलिया के आखिरी कॉलम पर। आप देख पा रहे हो कि ये मेरे पीछे जो आपको ये दीवार दिख रही है, ये पूरी ढह गई है, इसके पत्थर जो है निकल चुके हैं। आप देख पा रहे हो कि ये दीवार के ऊपर में, ठीक ऊपर में हिंदुस्तान फर्नीचर नाम का एक शॉप है, और उसी दुकान से सटे और भी फर्नीचर के कई शॉप है, उन्हें भी इस अगर दीवार ढह जाती है तो पूरे शॉप जो है वहाँ पे के, वहाँ जो शॉप बसे हुए हैं उनको पूरा खतरा है। आप देख पा रहे हो ये जो दीवार की पत्थरे जो है पूरी निकल चुकी है, पूरा जो प्लास्टर है वो भी गिर चुका है, और किस हालात में आपको दिख रहा है ये पूरे जो दुकान बसा है उसके ऊपर। अगर भारी बरसात होती है और पानी का तेज बहाव होता है तो क्या हो सकता है, ये अंदेशा आप भी देख सकते हो। इस ढहे हुए पत्थरों को देखते हुए आप लगा सकते हो कि ऊपर का जो दुकान है उसकी हालत क्या हो सकती है, और उससे सटे भी कई दुकान हैं, उनके भी हम आपको जो फुटपाथ है उसकी दशा भी बताएंगे कि ये जो दीवार है ये ढह चुकी है, और वो फुटपाथ जो है सीधे नाले तक जो है ढह चुके हैं। और ऊपर में, इसी के ऊपर में जो है एक बस स्टॉप है जहां बसें रुकती है, और उसी के लिए पैसेंजर जो है वो बस का इंतजार करते हुए वहां रहते हैं। और जिस तरह से इस पुलिया की हालत हो चुकी है, अगर खुदा ना खास्ता तेज बरसात में कुछ हुआ तो पुलिया गिरने की आशंका यहाँ के जो शॉपकीपर से उनके द्वारा जताई गई है, और भारी जो है संकट भी इससे निर्माण हो सकता है। आने वाली जो स्थिति होंगी, बरसात के दिन होंगे, अगर इस दीवार की मरम्मत नहीं की गई या इस पुलिया की मरम्मत नहीं की गई है तो, और भी कुछ बातें हैं हम चलिए जानते हैं सीधा यहाँ के जो हिंदुस्तान फर्नीचर के ओनर है उनसे। तो आपने सुना दुकान मालिकों का हाल, प्रशासन को इसकी जानकारी इन दुकानदारों द्वारा दी गई है, लेकिन प्रशासन इसे नजरअंदाज करते दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उपस्थित हो रहा है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है। तो आपको बता दें, देखिए हमने जो आपको बताया था अभी, ये वही पुलिया है, पुलिया से जो है आवाजाही किस तरह की होती है आप देख पा रहे हो खुद कि किस तरह से यहाँ वाहनों की जो है आवाजाही रहती है। ये जो है बहुत ही भीड़ वाला जो रोड कह सकते हैं, व्यस्त रोड जो है कह सकते हैं, आप देख पा रहे हो सिटी बस भी वहाँ खड़ी है। यहाँ पे जो है पंचशील चौक का सिटी बस का स्टॉप भी है, यहाँ कई जो पैसेंजर है, यात्री है, वेट करते हैं सिटी बस का, आप देख पा रहे हो, और वो वेट करते हैं, ट्रक भी जाते हैं। इस तरह से ये पूरा जो रोड है यहाँ पे जो है हेवी व्हीकल चलते हैं, और ऐसे में अगर प्रशासन ने इसे नज़रअंदाज किया तो किसी भी तरह के हादसे की जो अंदेशा है वो नकारा नहीं जा सकता है। सामने देख पा रहे हो हिंदुस्तान फर्नीचर की दुकान जो है किनारे पे है, वहाँ भी जिसके नीचे की दीवार हमने अभी आपको बताई वो पूरी तरह से ढह चुकी है। बाजू में जो है पूरी फर्नीचर की दुकानों की लाइन लगी है, वहाँ के जो दुकानदार है उन्होंने कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी है, मरम्मत की भी लिए निवेदन दिया है, लेकिन उस पर अभी तक जो है मनपा प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। हम जानते हैं कि उनकी भी क्या समस्याएं हैं इस जो पुल जो है ढह रहा है उसको लेकर।
जिस तरह से हमने आपको बताया था कि पुलिया के ऊपर जो है फर्नीचर की जो दुकानें हैं, हमने आपको बताया कि इस तरह से जो फतह ढह गए हैं, सलाह के सड़ चुकी है, यहाँ के जो फर्नीचर की दुकानें हैं उनके जो मालिक है वो इस बात से बहुत परेशान है, क्योंकि कुछ ही दिनों पर जो है अभी तो मानसून की शुरुआत मतलब हो रही है, लेकिन इस बार मानसून लेट है इसीलिए बारिश नहीं आई है। इसीलिए हम जो देख पा रहे हो कि अभी भी प्रशासन के पास समय है इसे जो मरम्मत करने का, यहाँ के जो शॉपकीपर है उनसे जानते हैं कि क्या आपको किस तरह का डर सताता है। मेरा नाम बनवारी शर्मा, न्यू मॉडर्न गांधी फर्नीचर। आज एक साल से यहाँ की कंप्लेंट डाली हुई है, लेकिन प्रशासन अभी तक यहाँ कोई काम नहीं कर रही है। हो सकता है कोई हादसा हो जाए, उसके बाद में काम करेंगी। इससे अच्छा है कि पहले से ही संभल जाना चाहिए। आज एक दो से तीन महीने पहले से रोड के ऊपर बैरिकेड लगा के रखे हुए है, जबकि आने जाने में तकलीफ होती है लोगों को। अभी तक कोई काम शुरू हुआ नहीं है और रोड बंद करके रख दिया। यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है, हो सकता है किसी दिन धस जाए पुलिया और बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि पुल के पिल्लर भी इसी के ऊपर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द करे और अपनी सोई हुई नींद से जाग करके और कोई हादसा होने से पहले ये काम पूरा कर दे। अभी हम ये दुकान के सामने खड़े हैं, फर्नीचर की फुटपाथ है, यह आपको फुटपाथ जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये फुटपाथ नहीं है, ये इसके नीचे जो है नाला है, क्योंकि इसके नीचे की जो दीवारों का हाल क्या है हमने आपको बताया है। आप देख पा रहे हैं फुटपाथ की से जो दिख रहा है आपको सीधा नाला दिखाई देता है, क्योंकि इसकी जो प्लास्टर है नीचे से वो पूरा ढह चुका है, सलाखें जो है सड़ चुकी है, और आप देख पा रहे हो कि फुटपाथ जो है किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। कभी भी यहाँ अगर कोई खड़ा होता है और बारिश के दिनों में अगर कुछ हादसा होने की संभावना, जैसे कि अभी दुकान के मालिक जो है उन्होंने बताई है, उन्हें भी ये डर सता रहा है, तो प्रशासन नींद से जागे और जल्द से जल्द जो है इसकी मरम्मत करे। हिंदुस्तान फर्नीचर के मालिक हमारे साथ है। सर, क्या बताओगे, आपकी जो शॉप है वो जो पुलिया की दीवार है उससे सटे है, उसके ऊपर ही है, हमने अभी देखा कि किस तरह से वो पूरे पत्थर ढह चुके हैं, क्या आप मतलब आपको डर नहीं लग रहा है? मैडम, रात को नींद नहीं आती है, और हमारा रेसिडेंस भी यहीं पे है और हमारा रहना भी यहीं पे है, ऑफिस है बच्चे का, वो भी मतलब वन साइड दुकान झुक चुकी है और दब चुकी है, और एक साल से रेगुलर कंप्लेंट किया, उनके तीन चार विजिट हो गए, वराडे साहब के और राम जोशी साहब के, और NMC कमिश्नर भी उनके पास भी गया था, उनके PA के पास भी गया था, 50 चक्कर हो गए, उनका कोई ध्यान नहीं, फ़ोन नहीं उठाते, और कोई वहाँ से वो इन्हीं रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा हमारे को। आपने इससे पहले कितने बार प्रशासन के पास गुहार लगाई? मैडम, प्रशासन के पास हमने रिटर्न लेटर भी दिया है, वो तीन जगह हमने रिसीव भी करा के रखा हुआ है, उसका भी मैंने आपको कॉपी दे रहा हूँ, और इसकी पूरी फोटोग्राफी भी आपसे आप लोग किए, जो अच्छा किए काम, बहुत अच्छा काम किया आपने, पहली बार हुआ ये, अभी तक किसी का ध्यान नहीं था, इन्होंने सभी रोड ब्लॉक करके रखा हुआ है पिछले 1.5-2 महीने से, तो इसका कोई अभी तक कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। जिस तरह से हमने आपके दुकान के सामने जो फुटपाथ देखे हैं उसकी भी हालत हमने अभी दिखाई है हमारे दर्शकों को, क्या बताओगे आप जो यहाँ पे आप सामान रखते हो? मैडम, पब्लिक मेन है, पब्लिक को डेंजर है, पब्लिक को लाइफ थ्रेट है यहाँ पे, जो पब्लिक खड़ी रहती है वो कब बैठ जाएगा, ये कब बैठ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, एक हादसा हो जाएगा बड़ा, उसके बाद में कुछ मतलब नहीं करके, अभी जो करना है अभी करना पड़ेगा, पानी के पहले, बरसात के पहले करना पड़ेगा। दुकानदारों की जुबानी तो हमने सुनी, लेकिन इस पुलिया पर एक बस स्टॉप है जहां बड़ी संख्या में यात्री सिटी बस का इंतजार करते हैं। इन यात्रियों को भी खतरा हो सकता है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर क्यों बैठा है? पुलिया पर वर्क इन प्रोग्रेस के बोर्ड लगाकर क्या साबित कर रहा है प्रशासन, क्योंकि ये बोर्ड लगाकर काफी दिन गुजर चुके हैं लेकिन कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब हम उसी पुलिया पे खड़े हैं जिस पुलिया की हालत मैंने आपको बताई है, किस तरह से पत्थर ढह चुके हैं, सलाखें जो है वो सड़ चुकी है, और इस पुलिया पे ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, वर्क इन प्रोग्रेस, गो स्लो यूज डायवर्शन, लेकिन ये जो बोर्ड है ये कब से यहाँ लगा है, सच में यहाँ काम शुरू है या नहीं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। भैया, आप यहाँ आसपास रहते हो कहीं? हमारी दुकान है वहाँ पे, शॉप है हिंदुस्तान फर्नीचर, वहाँ पे हम जॉब करते हैं। बताइए भैया, ये जो बोर्ड आप लगा है यहाँ काम शुरू है रास्ते का? कुछ भी नहीं, 1.5 महीने से लगा के रखा है, खाली रोड जाम कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है, हमने काफी कम्प्लेंट की तो भी वो आने को तैयार नहीं है, तो प्रशासन अभी तक क्या कर रहा, सो रहा है क्या? G20 के लिए यही नागपुर शहर कुछ ही महीने पहले दुल्हन जैसे सजाया गया था, जिसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए, लेकिन
शहर का यह रास्ता अभी भी मरम्मत के इंतजार में है। क्या सच में प्रशासन पुलिया के हालात से बेखबर है या फिर बड़ी दुर्घटना की राह देख रहा है? अगर बारिश से पहले पुलिया की मरम्मत नहीं हुई तो बड़ी अनहोनी होने के खतरे को नकारा नहीं जा सकता। तो दर्शकों, हमने आपको, मैं जब जो पुलिया पे खड़ी हूँ वही पुलिया है जो हमने आपको अभी बताया है, उसकी हालत आप खुद अपने आंखों से देख चुके हो, दुकान मालिकों का कहना भी आप सुन चुके हो। और ये वही पुलिया है, पंचशील स्क्वायर से बर्डी की ओर जाने वाला ये रास्ता है, जिस रास्ते पर फर्नीचर की दुकानें हैं। एक साइड से जो है हम देख रहे हैं कि बस स्टॉप भी है, ठीक वही ये बस स्टॉप है, उसी पुलिया पर ये बस स्टॉप जो है निर्माण है। और दूसरे साइड जो हम देख पा रहे हैं, दूसरे साइड एक स्कूल भी है। और ऐसे में इस पुलिया की मरम्मत करना कितनी ज़रूरी है। आपने देखा कि यहाँ वाहनों की हरदम आवाजाही रहती है, व्यस्ततम इलाका ये है। आप देख पा रहे हो कि पैसेंजर जो है यहाँ पे इंतज़ार करते हैं बस का। अगर जिस तरह से यहाँ के दुकान मालिकों का कहना है कि अगर भारी बारिश होती है और जिस तरह से हालात पुलिया के हो चुके हैं, अगर उसे देखते हुए बड़ी दुर्घटना की संभावना जताई जा रही है, तो प्रशासन क्यों हरकत में नहीं आ रही है और प्रशासन इस पुलिया का काम क्यों नहीं कर रही है? बीते डेढ़ महीने से जो है यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस के बोर्ड लगाए गए, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मानसून पूर्व ये काम होना चाहिए था, लेकिन अभी बरसात शुरू हो रही है और फिर भी जो है इस पुलिया की मरम्मत नहीं हुई है। जो पत्थर ढह चुके हैं उसकी हालत हमने देखी है, किस तरह की ये पुलिया की हालत है। तो जल्द से जल्द प्रशासन ने इसके ओर ध्यान देना चाहिए और किसी बड़े दुर्घटना को टालने के लिए इस पुलिया की मरम्मत करना जरूरी है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।